प्रेगनेंसी में चक्कर आना, क्यों प्रेगनेंसी में चक्कर आते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण प्रेगनेंसी में बहुत कॉमनली महिलाओं की कंप्लेन रहती है कि मैडम चक्कर आते हैं, सिर घूमता है, भारीपन लगता है, और क्या क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे कि ये जो चक्कर आने की प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के दौरान वह कम हो सके। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि चक्कर आना हम किसे कहते हैं। अलग अलग टाइप से महिलाओं की कंप्लेन होती है। कोई कहता है मैडम सिर घूम रहा है, यानी कि सिर, कोई कहता है कि सिर में बिल्कुल ऐसा सिर लाइट हेडेडनेस लग रहा है, जैसे बिल्कुल सिर हल्का सा हो गया है। किसी की कंप्लेन होती है कि बैलेंस नहीं बनता है, सब चीज़ें आसपास की चीज़ें घूमती हुई नज़र आती हैं। कुछ महिलाओं की कंप्लेन होती है कि आँख के आगे एकदम अंधेरा छा गया है, ब्लैकआउट हो गया है। तो अलग अलग प्रकार से महिलाएँ कंप्लेन करती हैं चक्कर आने के बारे में। यह चक्कर आना प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन होता है और स्पेसिफिकली शुरू के 2-3 महीने में अधिक पाया जाता है। तो चक्कर आते क्यों हैं प्रेगनेंसी में? पूरे 9 महीने में भी चक्कर मिल सकते हैं, शुरुआती महीनों में थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो देखिए, प्रेगनेंसी में बहुत बार क्या होता है, जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वह ड्रॉप कर जाता है, यानी कि बीपी कम हो जाता है। बीपी कम क्यों हो जाता है? देखिए, शुरू के 2-3 महीने तो क्या होता है, नौजिया वॉमिटिंग बहुत कॉमन होता है। बहुत महिला ऐसी होती हैं जो खा पी ही नहीं पाती हैं क्योंकि उनका जी घबरा रहा होता है, या फिर उल्टी इतनी ज़्यादा हो रही होती है। कुछ कुछ महिलाओं में तो हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग सी वॉमिटिंग्स होती है, कुछ भी नहीं टिकता है। तो जब ऑब्वियसली महिला उल्टी पे उल्टी करे जा रही है, कुछ अंदर टिक ही नहीं रहा है, तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएगा और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाएगा, उसके कारण चक्कर आ सकते हैं। ऑब्वियसली इतनी वॉमिटिंग और ये सब होगी तो डिहाइड्रेशन तो होगा ही होगा, शुगर लेवल्स भी ड्रॉप कर जाएंगे, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो शुगर लेवल्स कम होने के कारण भी चक्कर आते हैं। बहुत सी महिलाओं को वॉमिटिंग इतनी नहीं हो रही होती, लेकिन कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होती, जिसके कारण शुगर लेवल्स ड्रॉप कर जाते हैं। तो हाइपोग्लाइसीमिया नहीं, शुगर लेवल्स कम होने के कारण भी चक्कर आते हैं, बीपी कम होने के कारण भी चक्कर आते हैं। कुछ कुछ महिलाओं में खून की काफ़ी कमी होती है, जिसे हम एनीमिया कहते हैं हमारी भाषा में। और प्रेगनेंसी में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हीमोडायलिबिशन होता है, यानी कि सपोजिटली मैं एक एग्जांपल देती हूँ, यानी कि अगर आपका प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले जैसे हीमोग्लोबिन बायचांस 10 था, तो प्रेगनेंसी के अंदर एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो हीमोग्लोबिन ड्रॉप करेगा ही करेगा, वो ऑटोमेटिकली 9 तक आ ही जाएगा, या और भी कम 8 तक भी जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की गोलियां दी जाती हैं, सभी डॉक्टर्स देते हैं, सरकारी अस्पतालों में भी दी जाती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल हीमोडायल्यूशन होता है, जिसके कारण कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो खून की कमी हो जाती है, खून की कमी होने के कारण भी चक्कर बहुत कॉमनली आते हैं। इसके अलावा चक्कर आने के जो और कारण होते हैं, होता है कि कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। जी हाँ, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण भी चक्कर आ सकते हैं और ब्लड प्रेशर कम हो जाने के कारण भी चक्कर आ सकते हैं। दोनों ही कंडीशंस में चक्कर आना हो सकता है। कभी कभी, जो कि बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, यानी कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर ना होके ट्यूब्स या ओवरीज के अंदर होती है। तो ट्यूब्स या ओवरीज में अगर प्रेगनेंसी होती है तो उसमें वो लंबी सर्वाइव नहीं कर पाती है और फट जाती है, जिसके कारण पेट में ब्लीडिंग चालू हो जाती है और मरीज़ को चक्कर आ सकते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में अगर आपको जानना हो तो मेरा डिटेल में एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो आप अलग से उसको देख सकते हैं। हम आगे अन्य कारणों के बारे में जानते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि कुछ बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि HCG का हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, एक होता है रिलैक्सिन नाम का हार्मोन होता है, ये भी रिलीज होता है, इनकी वैल्यूज बढ़ जाती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये वेजोडायलेशन कर देते हैं। वेजोडायलेशन का मतलब जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की धमनियाँ हैं, उनको थोड़ा डायलेट कर देते हैं, उनको थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, जिसके कारण ब्लड का जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है और चक्कर आने की पॉसिबिलिटी होने लग जाती है। महिला ये कंप्लेन करती है कि बिल्कुल लाइट हेडेडनेस लग रहा है, चक्कर जैसा लग रहा है, तो वह भी एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है। धीरे धीरे प्रेगनेंसी में क्या होता है, बच्चेदानी बढ़ती जाती है, साइज में बड़ी होती जाती है, ऑब्वियसली बच्चा बड़ा होएगा बच्चेदानी भी बड़ी होएगी, उस बच्चेदानी का प्रेशर आपकी खून की धमनियों पर पड़ता है, ब्लड वेसल्स पर पड़ता है, उस प्रेशर के कारण भी ब्लड प्रेशर थोड़ा ड्रॉप हो जाता है और चक्कर आने की टेंडेंसी रहती है। तो ये तो हुए कॉमन कारण जिनके कारण की प्रेगनेंसी के दौरान चक्कर आता है। अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये चक्कर ना आए? देखिए, इसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप अपने लिक्विड इनटेक का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो चक्कर आने की पॉसिबिलिटी कम की साइड में रहेगी, यानी कि आपको हाइड्रेटेड रहना है, भरपूर मात्रा में लिक्विड्स का इंटेक रखना है। लिक्विड ज़रूरी नहीं है कि पानी ही हो, आप पानी ले सकते हैं, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, जूस है, छाछ है,
बहुत सारी चीज़ें, सभी प्रकार के लिक्विड्स आप ले सकती हैं, सभी लिक्विड्स ही आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे। शुगर लेवल्स मेंटेन करना अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़, बीपी मेंटेन होना चाहिए, शुगर भी मेंटेन होना चाहिए। उसके लिए क्या करना है आपको, आप थोड़ा 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 बार बार खाते रहिए, एक साथ ज़्यादा खाने की कोशिश नहीं कीजिए, उसमें वॉमिटिंग होने की टेंडेंसी भी बढ़ जाती है। तो थोड़ा 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 बार बार खाइए, और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं तो आप जिस ऐसे लिक्विड्स जिसमें कि नमक और चीनी दोनों हो उनका इंटेक रखिए, जैसे कि जूसेस वगैरह हैं, सूप्स वगैरह हैं, जिसमें आप नमक और चीनी दोनों डाल लीजिए, तो भी आपका शुगर लेवल्स और बीपी दोनों मेंटेन रहेंगे और चक्कर आने की पॉसिबिलिटी कम रहेगी। अगर आपके मंथ्स 5-6 महीने से ऊपर हो गए हैं और फिर आपको चक्कर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अपना ब्लड प्रेशर नपवा ज़रूर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका बीपी हायर साइड में जा रहा है। शुरुआती महीने हैं, सोनोग्राफी वगैरह तो डेफिनेटली होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी को रूल आउट करना भी इम्पॉर्टेंट रहता है। एक्टोपिक के बारे में जैसे मैंने बताया कि आपको जानना है तो मेरा डिटेल में दूसरा वीडियो है। इसके अलावा आपको जिन चीज़ों का इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है जो कि बहुत ही ज़रूरी है, आपको सीधा नहीं सोना है, आपको करवट लेके सोना है, लेफ़्ट साइड में करवट लेके सोना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप लेफ़्ट साइड में करवट लेके सोती हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो जो बच्चेदानी का प्रेशर ब्लड वेसल्स पे पड़ रहा था वह हट जाता है, जिसके कारण कि बच्चेदानी में और बच्चे की तरफ जाने वाला जो ब्लड फ्लो होता है वह भी इम्प्रूव हो जाता है, तो बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा, चक्कर भी कम आते हैं। तो आपको सीधा नहीं सोना है, लेफ़्ट साइड में बाईं तरफ करवट लेकर सोना है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, राइट। लिक्विड का इंटेक, खाने पीने का ध्यान रखना, ये आप रखने वाली हैं, इन चीज़ों का तो आप ध्यान रखिए रखिए। बिना फालतू ज़्यादा टाइम के लिए खड़े मत रहिए। आपने अपना काम किया, घर का काम वाम हो गया, अब आप बैठ जाइए या फिर लेट जाइए, आराम कीजिए, अननेसेसरी खड़े नहीं रहिए। और अगर आप किसी कारणवश खड़ी हैं तो चलते फिरते रहिए। किसी से कभी कभी क्या होता है, बात कर रहे हैं अपन, बातचीत कर रहे हैं और अपन खड़े हैं, तो अगर ऐसा है तो थोड़ा वॉक करती रहेंगी तो भी चेक कराने की टेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जब आप वॉक करती हैं तो पैरों का मस्कुलर पंप काम करता है, वह आपके ब्लड को वापस हार्ट की तरफ फेंकता है। तो इसलिए खड़े रहने से बेटर ऑप्शन होता है कि आप चलती रहें, और रेस्ट तो आप कर ही सकती हैं, लेट तो आप सकते ही हैं। तो बिना फालतू तो आपको ज़्यादा खड़े नहीं रहना है और वॉक करते रहना अगर आप खड़ी हैं तो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत बार महिलाएं क्या करती हैं, लेटी हुई हैं और ऑल ऑफ अ सडन खड़ी हो जाती हैं, कभी फ़ोन बज जाता है, कभी दरवाजे की घंटी बज जाती है, जिसके कारण एकदम खड़ा होना पड़ता है, तो ऐसा नहीं कीजिए। उससे एकदम क्या होता है, पोस्चुरल हाइपोटेंशन हो जाता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आप लेटी हुई हैं तो उससे खड़े होने में थोड़ा समय लीजिए, यानी कि अगर आप लेटी हुई हैं तो थोड़ी देर आप करवट लीजिए, बैठिए और फिर उसके बाद आप खड़े होइए। एकदम झटके से आप खड़े होंगे ना तो भी चक्कर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो डेफिनेटली आपका जो चक्कर आना है वह थोड़ा कम हो जाएगा। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।